अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल है आप सबके? आई होप सब ठीक ठाक होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, आज की वीडियो जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी आप सबके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं करने लगी हूँ अपने किचन का थोड़ा सा मेकओवर। तो मेरा किचन सिंपल सा था, तो बस मैं थोड़ा सा उसको ऑर्गेनाइज़ करना चाह रही थी, थोड़ा सा कुछ डेकोरेशन पीसेस सेट करूँगी, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है वो किचन के लिए, मतलब किचन की एंट्रेंस से पहले जो वॉल है उसके लिए एक कैनवा पे मतलब एक पिक्चर बना रही हूँ। तो उसको मैंने पूरा ब्लैक कर लिया था और उसको जो है वो मैं वाइट कलर के साथ, मतलब ये एक मग बनाया था और बस उस पर कुछ लिखा था। अच्छा, पहले मैंने इस फॉन्ट में लिखा था जो कि मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, फिर मैंने इसको चेंज कर दिया था। वो मैं आपको एंड में दिखाऊँगी कि ये एंड में कैसा बना था और उसको मैंने कहाँ लगाया था। तो सबसे पहले मैंने जो है अपने किचन को अच्छे से जो है वो क्लीन कर लिया था और जो जो हुक्स वगैरह लगे हुए थे उनको भी निकाल दिया था और अच्छे से जो है इसको डीपली क्लीन कर लिया था। तो अभी यहाँ पे मैं ये वाली फोली जो है वो लगाऊंगी काउंटर टॉप पे। तो बस मुझे उसी उधर ही लगानी है, ज़्यादा इसको मतलब कैबिनेट्स वगैरह पर नहीं लगानी क्योंकि वो मेरे बिल्कुल ठीक हैं। तो मैंने सोचा कि मैं अपने काउंटर टॉप को थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ी सी चेंज भी जो है ना आपको मतलब अच्छी लगती है किचन वगैरह में या कहीं पे भी आप उसको थोड़ा सा चेंज कर लें तो अच्छा लुक आता है। तो मैंने सोचा मैं इसको काउंटर टॉप को जो है वो इस कॉन्टैक्ट पेपर से जो है चेंज करती हूँ, थोड़ा अच्छा लुक आ जाएगा। तो मुझे ये वाला ग्रे कलर में, मतलब वुडन प्रिंट में था तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो बस सबसे पहले मैं जो है वो इसको मायर करके मतलब लगाती जा रही थी काउंटर टॉप पे। अच्छा, इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब इस तरह की वीडियोस वगैरह देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब ये बिल्कुल इजी काम है, लेकिन इसको मतलब नाप वगैरह करके लगाना सीधा बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन एंड में जो है ना वो काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिला तो अच्छा लग रहा था। अच्छा, मैं इसको ट्राई कर रही थी कि इसमें कोई भी एयर बबल वगैरह ना रह जाए। अच्छा, पहले मैं इसको कपड़े के साथ मतलब इस तरह प्रेस करती जा रही थी, लेकिन वो भी मुझे इतना ठीक नहीं लग रहा था, तो फिर मैं कार्ड ले आई थी क्योंकि कार्ड से भी जो है वो कुछ लोग कर रहे होते हैं, तो फिर उससे फिर थोड़ा सा सही लगा था। तो मैं अपना जो डगलस यहाँ पे शॉप है ना उसका कार्ड ले आई थी, जो कि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं वो ले आई थी, उसके साथ कर रही थी। अच्छा, तो कार्ड के साथ जो है वो थोड़ा सा ईजी हो रहा था, मतलब सही से जो है ना वो प्रेस हो रहा था, नीचे से कोई बबल वगैरह नहीं रह रहा था। तो बस इसको मैं अच्छे से जो है वो इस तरह लगाती जाऊंगी नाप करके। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि मैं टाइल्स पे भी जो है वो लगाऊंगी तो थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे टाइल्स, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं थी कि मतलब टाइल्स पे पता नहीं ये सही से मतलब चिपकेगा या नहीं, क्योंकि अगर आपकी ये बैक स्प्लैश मतलब प्लेन है तो फिर सही से चिपक जाते हैं, लेकिन टाइल्स के ऊपर सही से कंफर्म नहीं था। तो फिर मैंने टाइल्स को ऐसे ही रहने दिया, मैंने सोचा मैं काउंटर टॉप को ही जो है वो थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो मैं ये वाला कटर यूज़ कर रही हूँ तो ये वाला बिल्कुल सही रहता है इसके लिए, इससे जो है ना वो सही से सीधा सीधा कट जाता है। तो फाइनली यहाँ पे जो मुश्किल काम था वो ख़त्म हो गया था और मेरा काउंटर टॉप अच्छा लग रहा था काफ़ी और अच्छे से लग गया था। और अभी मैं आपको दूसरी साइड भी दिखाती हूँ, वहाँ से भी मैंने लगा लिया था। अच्छा, जिस साइड पे ये वाली सिंक और चूल्हा वगैरह है उस साइड पे लगाना थोड़ा सा मुश्किल था, और बाकी दूसरी साइड तो बिल्कुल प्लेन थी तो वहाँ से लगाना इजी था, तो वहाँ से तो जल्दी से लग गया था। ये देखें, ये है दूसरी साइड, तो यहाँ भी अच्छे से लग गया था। तो अब बारी आती है जी ऑर्गेनाइज़ करने की काउंटर टॉप को। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ चीज़ें रखी हुई थी, न्यू रखी हुई थी कुछ, वो मैंने यूज़ नहीं की थी, लेकिन मैंने सोचा कि मतलब थोड़ा सा चेंज करूँगी तो ही जो है वो यूज़ करूँगी। तो बस यहाँ पे जो है वो एक स्पून होल्डर है और कुछ जो है वो आइकिया से चीज़ें ली थी, कुछ प्लांट्स मैं ऐड करूँगी। तो बस अभी काम स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैं इनको रख रही हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले मेरे पास ये एक वुडन ट्रे है जो कि हर जगह से मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे लगते हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे मैं एक चूल्हे की साइड पे जो कॉर्नर है वहाँ पे रखूँगी। कुछ ये चम्मच वगैरह हैं सालन वगैरह में यूज़ होने वाले। अच्छा, ये पूरा मुझे सेट मिला था तो काफ़ी अच्छा था, इसमें से मैंने सिर्फ एक दो ही यूज़ किए हैं, बाकी मेरे पास न्यू रखे थे तो मैंने सोचा अभी इनको निकाल लेती हूँ।
तो यहाँ पे मैंने एक ऑयल बोतल रखी है और उसमें जो है मैंने ऑलिव ऑयल रखा था। साथ ही मैंने जो है वो दो जार सेट कर दी थी, ये स्टील में है, आइकिया से ली थी सॉल्ट और पेपर के लिए। तो ये ऑयल बोतल के साथ अच्छी लग रही थी। और साथ ही एक क्यूट सा प्लांट रख लिया था जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये फेक था लेकिन अच्छा था काफ़ी, थोड़ा सा अच्छा लुक देने के लिए। और यहाँ पे मैं साइड में अपना कटिंग बोर्ड रख दूँगी, ये भी मैं न्यू लेके आई थी क्योंकि मेरा जो है वो ख़राब हो चुका था। तो बस मैंने कहा ये सही टाइम है न्यू चीज़ें यूज़ करने का। अच्छा जी, तो ये वाला कॉर्नर जो है हमारा सेट हो चुका है, ऑर्गेनाइज हो चुका है। अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो यहाँ पे मेरा सामने ही जो है वो टोस्टर होता है, तो बस इसको मैं यहीं पे रखूँगी और इसकी वायर को थोड़ा सा अंदर कर देंगे ताकि इसका लुक थोड़ा सा अच्छा लगे। उसके साथ मैं यहाँ पे अपना दूसरा कटिंग बोर्ड यूज़ करूँगी जो कि साइड पे रख दूँगी। तो ये भी ग्रे कलर में था तो मैं सोचा इसको यहाँ पे साइड पे रख देती हूँ। और एक छोटा सा कोस्टर मैंने यहाँ पे ऐड किया है, उसके ऊपर मैं जो है वो ये कप रख दूँगी और उसमें जो हमारी डेली यूज़ होने वाली यूटेंसिल्स हैं वो मैंने डाल दी थी। तो बस यहाँ से भी हमारा जो काउंटर टॉप है वो सेट हो गया था। अभी हम चलते हैं दूसरी साइड पर, क्योंकि ये वाली साइड हमारी सेट हो चुकी है, इसका चूल्हे की साइड वाला कॉर्नर और ये वाला सेट हो चुका था। तो अभी हम चलते हैं दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे जो है वो मैं कुछ चीज़ें यूज़ करूँगी। अच्छा, ये एक क्रोशेट में बना हुआ एक मैट टाइप है, प्लेसमेट, तो इसको मैं अपने एयर फ्रायर के ऊपर रखूँगी और उसके ऊपर जो है मैं प्लांट रख दूँगी एक अच्छा सा, जो कि बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे इस मैट के साथ। बस जी, यहाँ पे एयर फ्रायर के साथ ही मैंने अपनी हॉट वाटर की केटल रखी है। तो अभी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डेकोरेट करना है इसको, इस वाली जगह को। तो यहाँ पे मैं जो है वो रखूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे मैं वुलवर्थ से लेके आई थी एक, इसमें लिखा हुआ है मतलब कॉफ़ी से रिलेटेड, चाय से रिलेटेड, मतलब चाय तो नहीं, कॉफ़ी से रिलेटेड लिखा हुआ है, मतलब डॉयच में लिखा हुआ है, मिल्शाम हाइस मिल्श एस्प्रेसो काफ़े लाठे, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं। तो बस यहाँ पे मैंने, और इसके सामने मैंने जो है वो दो कोस्टर ऐड किए हैं और उसके ऊपर मैं अपने क्यूट से कप रख दूँगी जो कि मेरे फेवरेट हैं, जो कि मैं आइन यूरो शॉप से लेके आई थी। और साथ ही मैंने जो है वो पेपर टॉवल रख दिया था होल्डर में डाल के, होल्डर भी मैं जो है वो न्यू लेके आई थी। तो बस हमारा ये वाला कॉर्नर भी अच्छे से सेट हो गया था। अच्छा, यहाँ पर मैं यूरो शॉप से ये कुछ फ्रिज मैगनेट्स भी लेके आई थी। अच्छा, यूरो शॉप में आपको ना ये ढेरों मिल जाते हैं, इनकी बहुत वैरायटी होती है। तो कुछ मेरे फ्रिज में लगे हुए थे और कुछ मैं यहाँ पे लेके आई थी मतलब म्यूनिक से रिलेटेड, तो वो मैंने लगा दिए तो अच्छे लग रहे थे। अच्छा, एक ये पाकिस्तान से भी लेके आए थे हम लोग, वो भी मैंने लगा दिया था। अच्छा जी, अब बारी आती है सिंक साइड की। तो यहाँ पर भी मैंने एक मेटल का शेल्फ ऐड किया है छोटा सा, स्पंज वगैरह रखने के लिए, जो डिश वॉशर स्पंज होते हैं। और यहाँ पे भी मैं एक छोटू सा प्लांट ऐड कर दूँगी थोड़ा सा कलरफुल लुक देने के लिए। तो ये काफ़ी क्यूट लग रहा था। और बस ये डिश वॉशर और हैंड वॉश यहाँ पे नीचे रखूँगी, ये मैं इसके ऊपर नहीं रखूँगी क्योंकि ये जो है मैंने हुक्स के ऊपर लगाया था। तो बस इस पर मैं स्पंज वगैरह ही रखूँगी। तो बस ये वाला हमारा कॉर्नर भी सेट हो गया था। अच्छा, ये एक चीज़ है जो मैं आइकिया से लेके आई थी, हैंडी स्टैंड है ये, मतलब मोबाइल स्टैंड, जो कि मेरा किचन में ही रहता है, तो इसको भी मैंने यहाँ पे रख दिया था। अच्छा जी, तो मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे, किचन वगैरह मेरा जो है वो सेट हो गया था, ऑर्गेनाइज हो गया था अच्छे से और काफ़ी अच्छा सा लग रहा था मुझे। आप लोग बताइएगा आपको कैसा लगा। अभी मैं आपको पूरा जो है वो इसका दिखाती हूँ लुक। तो एक ये वाली साइड है जिसको हमने सेट किया और दूसरी साइड में आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये छोटी छोटी चीज़ें करने से जो है वो मतलब लुक जो है वो चेंज हो जाती है, काफ़ी अच्छा लगता है। कुछ चीज़ें ऐड कर ली मतलब अच्छा लग रहा था काफ़ी। और ये रही हमारी दूसरी साइड, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। और साथ ही यहाँ पे मेरी जो फ्रूट बास्केट है वो रखी हुई होती है। अच्छा जी, जो शुरू शुरू में मैंने पेंटिंग बनाई थी तो उसको मैंने यहाँ पे एंट्रेंस वॉल पे रख दिया था, जो कि किचन की एंट्रेंस वॉल है, रख नहीं लिया था, लगा लिया था। तो ये काफ़ी अच्छी लग रही थी यहाँ पे।
अच्छा, इस पे मैंने चेंज करके यहाँ पे बस टी लिखा था और कॉफ़ी लिखा था। अच्छा, लास्ट में मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि आपका जो सिंक एरिया है वहाँ पे आप यहाँ पे साइडों में मतलब सिलिकॉन सील लगा दें, ताकि आपके जो फॉइल में है पानी वगैरह अंदर ना जाए सफाई करते हुए, और फिर वो मतलब जल्दी निकले ना। तो बस इसको मैंने सिंक साइड पे और जहाँ जहाँ पे मतलब पानी वगैरह यूज़ होता है, सफाई वगैरह होती है ज़्यादा, तो वहाँ पे मैंने इसको लगा लिया था और चूल्हे की साइड पे भी लगा लिया था। बस जी, यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।